आ गए हैं फाइनल वोटिंग ट्रेंड्स, कौन है सबसे आगे और कौन है सबसे नीचे। चलिए बात करते हैं इस वीडियो में। मैं हूं मंदार और आप देख रहे हैं एक्ट ट्रेडर्स। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं ये जो फाइनल वाला वोटिंग ट्रेंड बता रहा हूं ये बहुत ही अनोखा है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक सबसे बड़ा रिकॉर्ड हो चुका है, वहां पर करीब करीब 220 मिलियन वोट्स वहां पर गए हैं और जिसकी पुष्टि कल भाईजान सलमान खान खुद शो में करेंगे, यह आपको देखने मिलेगा। लेकिन आपकी धड़कनें बहुत तेज हुई होगी कि भाई ये बता कि नंबर वन पे कौन है और आखिरी पायदान पे कौन है। परसेंटेज के साथ मैं लेकर आया हूं आपके लिए फाइनल वोटिंग ट्रेंड्स। दिल थाम के बैठिए क्योंकि ये जो फाइनल वाला वोटिंग ट्रेंड है ये बताने में मुझे भी बहुत मजा आ रहा है। चलिए बात करते हैं नंबर वन की। नंबर वन पे कौन है? नंबर वन पे वो है जिसको सब चाहते हैं। थोड़ा सा समझ में आया? नंबर वन पे वो है जो घर का किंग है। नंबर वन पे है टीआरपी किंग सिद्धार्थ शुक्ला और इनके खाते में गए हैं वहां पर लगभग 46% वोट्स। जी हां, शॉक करने वाले ये फाइनल वोटिंग ट्रेंड्स है। और आपको बहुत ज्यादा ये भी सुनने मिलेगा कि ये जो है ना ये फेक ट्रेंड्स है, ये एक्ट राइडर ने दिया है या फिर और सारे जो चैनल्स है यूट्यूब के वो दे रहे हैं, ये फेक है, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन नहीं, जो सही जानकारी है आपके सामने लाने की जो बात है वो मैं आपके साथ करता हूं। मैं कभी गलत जानकारी आपके सामने नहीं लाता हूं। और नंबर वन पे सिद्धार्थ शुक्ला है 46% वोट्स के साथ। नंबर दो की अगर बात की जाए तो नंबर दो पे है असीम रियाज जिनके खाते में गए हैं 23% वोट्स। अगर बात की जाए तो बहुत सारे लोग यहां पर नीचे कहेंगे ये तो है, ये शुक्ला का पीआर है वगैरह वगैरह। नहीं भाई, मुझे असीम रियाज भी बहुत ज्यादा पसंद है। इस बंदे ने जो शो में आके किया है भाई, कुछ भी पॉपुलैरिटी ना होने के बाद इस शो में आकर इतना ज्यादा फेम कमाना, नाम कमाना, ये कोई छोटी चीज नहीं है। असीम रियाज के खाते में 23% वोट्स वहां पर गए हैं। विनर कोई भी हो जाए यार, हर कोई वहां पर जीतने का दावेदार है और विजेता के तौर पे वहां पे देखा जाता है हर किसी को। नंबर तीन की बात की जाए तो नंबर तीन पे है वहां पे शहनाज गिल। शहनाज गिल के खाते में 19% वोट्स गए हैं। शहनाज गिल भी वहां पे राज कर रही है इस पूरे लड़कियों में। लड़कियों की बात की जाए तो इनमें वो फर्स्ट आती है। नंबर चार की बात की जाए तो नंबर चार पे है वहां पे रश्मि देसाई और रश्मि देसाई के खाते में गए हैं 9% वोट्स। अभी भी वहां पे रश्मि देसाई जो कम पड़ गई, इनकी जो चीजें थी वो अरहान से वो थोड़ी सी कमजोर हो गई थी और वो कमजोर ही रही है और वो बीट नहीं कर पाई वहां पे शहनाज गिल को। नंबर पांच की बात की जाए तो नंबर पांच पे है आबरा का डाबरा, मैं हूं पारस छाबरा। पारस छाबरा को वहां पे सिर्फ 2% वोट्स मिले हैं, लेकिन ठीक ठाक। इनकी अगर गेम देखी जाए बिग बॉस के घर में तो पारस छाबरा की गेम बहुत अच्छी थी। वो पूरे सीजन लॉयल रहे वहां पर माहिरा शर्मा के साथ और बिग बॉस में जिस तरीके से खेलना चाहिए उस तरीके से किसी ने अपनी गेम खेली है तो वो है आबरा गड़ाबरा पारस छाबरा। आपको क्या लगता है इस पर कमेंट सेक्शन में लिख देना। और आखिरी पायदान पे है वहां पे आरती सिंह। बात की जाए तो पांच ही लोग जाते हैं फिनाले में, लेकिन कहीं ना कहीं पारस छाबरा को बचा लिया था सिद्धार्थ शुक्ला ने और जहां पर लाया जाने वाला था वहां पे आरती सिंह को, तो भाई बिग बॉस ने गेम ही पलट दिया, 6 लोगों को लेकर गए फिनाले में। फिलहाल सिर्फ 1% वोट्स इनके खाते में गए है। बात की जाए तो इनको जो घर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसमें भी इनको किसी ने भी हाथ ऊपर करके सपोर्ट नहीं किया था। कहीं ना कहीं आरती सिंह का गेम थोड़ा सा वीक रहा है, लेकिन अच्छी खेली आरती सिंह। चलिए, आरती सिंह है आखिरी पायदान पे। ये है फाइनल वोटिंग ट्रेंड्स। और अगर इस वोटिंग ट्रेंड्स के तहत विनर डिसाइड किया जाता है तो भाई विनर होगा क्लियर सिद्धार्थ शुक्ला। लेकिन अभी भी एक ट्विस्ट है कि फाइनल वोटिंग ट्रेंड्स में बहुत सारी गड़बड़ हुई थी, यानी कि फाइनल वोटिंग ट्रेंड जो वोटिंग हो रही थी वूट और माईजियो ऐप पे, उसमें दिक्कतें आ रही थी बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे मोबाइल फोन्स पे। तो हो सकता है कि लास्ट 2 लोगों में, यानी कि शायद जो टॉप 2 हो गए उसके बीच वहां पर लाइव वोटिंग ली जाए। तो भाई अगर इस पर लाइव वोटिंग होगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि कल इस तरीके की चीज होने वाली है। चैनल से जुड़े रहे, कहीं मत जाइएगा। फिलहाल तो यही फाइनल वोटिंग ट्रेंड से आराम से सो जाना और कल के दिन का इंतजार करना। अगर आज कोई इविक्शन होता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो जल्द से जल्द चैनल एक्ट राइडर्स को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए एक्ट राइडर्स। धन्यवाद।